नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीजीपी के निर्देश पर मुख्यालय डीआईजी पहुंचे बांका, थाना का किया निरीक्षण, एसपी को दिया आवश्यक निर्देश। नकली नोट के धंधेबाज को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से कराया मुक्त, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की दी जानकारी। बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, जुआ खेलने के दौरान हुआ था विवाद। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई बहस पर गरमाई सियासत, भागलपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूंका पुतला। और जाम से निजात के लिए लागू की गई वन वे ट्रैफिक से लोग परेशान, पुलिस पब्लिक के बीच रोज हो रही तू तू मैं मैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार डीजीपी के निर्देश पर पटना मुख्यालय के डीआईजी विकास बर्मन ने बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ अमरपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी विकास बर्मन ने कार्यालय के रखरखाव, अपराध से संबंधित कांडों की सूची और रिकॉर्ड के रखरखाव की बारीकियों का विस्तार से अवलोकन किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कांड के अनुसंधान, पुलिस गश्ती समेत कई तरह के कार्यों की जानकारी बांका एसपी और मौजूद पुलिस अधिकारियों से लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जमीन विवाद एवं निरोधात्मक कार्यवाही के बारे में जानकारी लेकर सभी कार्यों की गहन समीक्षा की। इधर डीआईजी ने अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए पुलिस पदाधिकारियों को थाने में लंबित कांडों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। जबकि बेहतर पुलिसिंग के लिए बिहार के सभी थानों का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने को अपनी प्राथमिकता बताई। मौके पर बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, सर्कल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, प्रशिक्षु डीएसपी अर्जुन प्रसाद गुप्ता समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। सभी पटना में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलना है और भ्रमण के दौरान कुछ मुख्य बिंदु है, वो चाहे वो अपराध से संबंधित हो, कार्यालय के रख रखाव से संबंधित हो, रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित हो, बल के से संबंधित हो या अन्य ऐसी समस्याएँ हैं, उस बिंदुओं को देखने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी आरोप में आज एसपी बांका के साथ हम अमरपुर थाने पे हम लोग आए हैं और इस बिंदुओं पे जो मुख्यालय के जो दिए गए बिंदु हैं उस पर हम लोग। कटिहार के मनिहारी पूर्वी टोला निवासी और नकली नोट के धंधेबाज मोहम्मद जाहिद को नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से मुक्त करा लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोहम्मद जाहिद को नया टोला स्थित एक किराए के मकान से गुरुवार को बरामद किया, जबकि इस दौरान पुलिस ने अपहरण करने के आरोप में नया टोला निवासी सुबोध उर्फ प्रमोद शाह और मनु कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नकली नोट का धंधा करने के मामले में मोहम्मद जाहिद के अलावा भागलपुर के चौरी थाना क्षेत्र बड़ी चटैया निवासी विजय पासवान और स्टेशन के पास चाय दुकान चलाने वाले उजौनी निवासी बबलू उर्फ मोहम्मद सरफराज को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोहम्मद जाहिद अपने गांव मनिहारी के पूर्वी टोला और पश्चिम बंगाल के मालदा में रहकर नकली नोट का धंधा करता था और पुलिस को नया टोला स्थित किराए के मकान से भी कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि नकली नोट के मामले में गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर दो पंजा फाइटर, दो मोबाइल, 35,000 रुपये नगद, नोट के साइज पेपर के 5 बंडल और मोबाइल समेत कई सामग्री और पेय पदार्थ बरामद हुआ है। जबकि अपहरण करने वालों ने मोहम्मद जुवैर को 8 दिनों से कब्जे में लेकर नवगछिया नया टोला स्थित जोकर सिंह के मकान में रखा था। साथ ही एसपी ने कहा कि इस मामले को लेकर नवगछिया आदर्श थाना के थानाध्यक्ष भारत भूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेकर 27 जुलाई की रात नवगछिया स्टेशन पहुंची और अपरता सादे निवास में पहुंची पुलिस के चंगुल में फंस गए। इसके अलावा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कुछ दिन पहले चाय दुकानदार सुबोध मोहम्मद बबलू के संपर्क में आया और बबलू ने ही उसे रकम को दोगुना कराने का प्रलोभन देकर किसी खान नाम के शख्स के पास भेजा था, जबकि अपहरण करने के बाद जाहिद के परिजनों से बदमाशों ने संपर्क कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। साथ ही कहा कि टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, कल हमें जानकारी मिली कि मनिहारी कटिहार जिला का
मोहम्मद जाहिद को अपहरण करके कोई नगोशिया में छिपा कर दे रखा हुआ है और जाहिद के परिजन से फिरौती का पैसा मांग रहा है। ये जानकारी मिलते ही गंभीर सूचना थी। जैसे जानकारी हमें मिली तत्क्षण बिना समय गंवाए इंस्पेक्टर टाउन भरतभूषण के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया, जिसमें से कि SI रमानी, SI राजेश, PSI चंदन, SI अमोल और DIO की टीम थी। सभी कोई हम लोग भी अपना जो सूचना हम लोग की मिली थी हम उसके पीछे लग गया, सत्यापन भी किया, सही पाया गया और हम लोग फिर उसको 2-3 घंटा लगा हम लोगों को, काफ़ी परेशान पहले किया हम लोग को अपहरण करता, यहाँ आओ वहाँ आओ यहाँ वहाँ बुलाते रहा। हमारी SIT जो थी वो पेशेंस लूज नहीं किया, बहुत सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ और अपना पूरा ब्रेन को अप्लाई करते हुए रेलवे स्टेशन के पास से बरामद भी किया गया और गिरफ्तारी भी, क्योंकि दो अभी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ करने जो हुआ, जो नई कहानी सामने आई है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी उसकी है। जो मोहम्मद जाहिद है, मोहम्मद जाहिद क्या करता है, मनिहारी का है, ये मालदा में कहीं अपना मकान कान रहता है, वहाँ का भी इसके पास आधार का ये मुझे मिला है। उसका ये कहना था कि वो नोट डबलिंग काम करता है, यानी लोगों को धोखा दे करके हाथ की सफाई के लिए, आप सामने जितना भी केमिकल्स देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये नोट को सादे नोट के साइज, जो भी नोट है उस नोट के साइज पे वो ये केमिकल लगा करके प्रिंट निकालता था और लोगों को धोखा देता था कि ये आपका नोट जो है मैंने डबल कर दिया। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। दरअसल घटना भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर वार्ड संख्या 17 का है, जहाँ शुक्रवार की देर रात्रि अपराधियों ने एक 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि देर रात जुआ खेलने के विवाद में युवक की अपराधियों बहस हो गई, इसके बाद अपराधियों ने उसके सिर में 2 गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 बिसौली गांव निवासी जंगली यादव के 20 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है, जबकि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर सुल्तानगंज पुलिस ने मौके से सुमन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटा है क्या नाम? सुमन कुमार। सुमन क्या गोली मारा है? इसको तो गोली मारा है। कितने गोली मारा है? 3 गोली का सबूत है। 3 गोली मारा है? कौन लोग मारा है कुछ? उसे वो तो रात में मारा है तो हमको क्या पता है। आपको कैसे पता चला? हमको सवेरे दूसरे आदमी ने यहाँ से ठीक किया, जो देखा ऐसा ऐसा रंग है तो हम दौड़ के आए वहाँ से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। इधर संसद में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ BJP सांसद स्मृति ईरानी के बयान को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर AICC सदस्य प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता प्रवीण ने कहा कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कई भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि अहंकार में चूर स्मृति ईरानी यह भी भूल गई कि संसद में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा देना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। पुतला दहन में कई कांग्रेसी नेता और मौजूद थे। देश के एक अति सम्मानित परिवार की भद्र महिला, जिसके खिलाफ बरसों से ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाकर अश्लील बातें लिखते कर रहे, बोलते रहे, लिखवाते रहे अपने कार्यकर्ताओं से, उसके साथ स्मृति ईरानी ने जिस तरह का व्यवहार सदन में किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उस परिवार ने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी है वो याद करने की जरूरत है। देशवासियों को ये समझने की जरूरत है कि ज्वलंत मुद्दे से आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ऐसी बातें ये लोग करते हैं, ऐसी हरकत ये लोग करते हैं, ताकि मामला कैमरा आपका ज्वलंत मुद्दे से, बेरोजगारी से, महंगाई से, युवाओं के समस्याओं से,
नौजवानों की समस्याओं से, किसानों की समस्याओं से हटाया जा सके, और यह समस्या से हटाकर ध्यान को यह स्मृति ईरानी और राष्ट्रपति पर केंद्रित किया जा सके। जब राष्ट्रपति जी स्वयं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, ये स्मृति ईरानी बोलने वाली होती कौन है। भागलपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने कई तरह की तैयारी की, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। दरअसल आए दिन होने वाली जाम की समस्या के समाधान के लिए जिला और पुलिस की पहल पर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई रूट में वनवे ट्रैफिक लागू किया गया, लेकिन आम लोगों की मनमानी और पुलिसिया सुस्ती के कारण इस व्यवस्था का सही संचालन नहीं हो रहा है। वही नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की ओर से जब रोक टोक की जाती है तो अक्सर सड़क पर हंगामा शुरू हो जाता है, जिससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसको लेकर शुक्रवार को कचहरी चौक पर भी हंगामा हुआ, जहां ट्रैफिक बंदे का उल्लंघन कर रहे एक युवक को पुलिस कर्मी द्वारा वापस जाने की बात कहने पर युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा युवक को शांत कराकर ट्रैफिक नियम का पालन करने की नसीहत दी गई। वो मैडम वहाँ पे खड़ी थी और वहाँ पे वो बोलती हैं इधर से नहीं जाना है, और तीन चार आदमी पास, चार चार आदमी पास हो गया है वहाँ से, और डेली होता है, डेली हम लोग ऑफिस में, हम बोलेगा कि ठीक है हम इधर से निकल जाते हैं, वो मेरा चाबी निकाल करके चुपचाप यहाँ ला करके इनको दे दी, और उसके बाद फिर ये, अब ये भाई साहब कह रहे हैं, आप देख लीजिए इनको, और ये हमको कह रहे हैं कि हम उनके साथ हाथापाई किए, लेडीज़ के साथ। आप पूछ लीजिए एक बार मैडम से कि हाथापाई भी किए हैं या वो, आप इतना ढेर सारा लोग खड़ा है, दुकान वाला भी अब देख रहा है, कुछ भी किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग बार बार, और ये भाई साहब यही कह रहे हैं बार बार चाबी नहीं दिए, और चाबी देकर के सर उनको लेकर के आप देख लीजिए, और अभी नहीं, हम उधर गए भी नहीं है सर, यहाँ पे खड़े थे गाड़ी लेकर के, हम बोले मैडम उधर जाएं, तो बोले नहीं इधर से नहीं जाना है, तो ठीक है तो उधर से जाने लगे गाड़ी इधर लेकर के, लेकिन वहाँ पे गाड़ी हम वहाँ पे लगा तो वहीं पे बीच रोड पे ही गाड़ी, वहाँ पे वो चाबी निकाल के लेके चले। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हड़ियापट्टी स्थित कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय समेत बिहार के सभी विश्वविद्यालय की समस्याओं और आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति है, इसके लिए राजभवन और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लेट चले सेशन, परीक्षा रिजल्ट और छात्रों की कई समस्याओं को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने अब तक विश्वविद्यालय बंदी और आंदोलनों से परहेज किया है, लेकिन अब छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखकर परिषद की ओर से विश्वविद्यालय में रचनात्मक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने विश्वविद्यालय की 16 प्रमुख समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि कुलपति की अनुपस्थिति और राज्य सरकार एवं कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं से शुल्क लिया जा रहा है, जबकि दीक्षांत समारोह के नाम पर भी शुल्क लेने की बात सामने आई है। साथ ही छात्र नेता ने कहा कि ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी और विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी के अलावा हॉस्टल की जर्जर व्यवस्था भी बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही विश्वविद्यालय समेत अलग अलग विभाग और कॉलेज में आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर जिला संयोजक हैप्पी आनंद, नगर मंत्री कपिश शर्मा समेत एवीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अलग अलग विश्वविद्यालय, चाहे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो,
पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें कहीं ना कहीं राजभवन सीधे तौर पर दोषी हैं। अपने भागलपुर विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अस्थायी कुलपति का है। हम लोगों ने पूर्व में भी अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन के माध्यम से राजभवन को और राज्य सरकार को ये संदेश भिजवाया था कि यहाँ पर जल्द से जल्द अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए। जो अभी प्रभारी कुलपति जिनको यहाँ प्रभार दिया गया है, वो अपने जो उनका मूल विश्वविद्यालय जहाँ पे उनकी नियमित नियुक्ति की गई है वहाँ भी नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभार आखिर कैसे दे दिया गया उनको। 8 महीने से यहाँ कुलपति गायब हैं, जिसके कारण यहाँ की व्यवस्था त्राही त्राही मची हुई है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भले ही तरह तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हो, लेकिन कुछ कारणों से यह योजना सफल नहीं हो पा रही है। ताज़ा मामला भागलपुर के आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय अरार का है, जहाँ छात्र छात्राओं को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। दरअसल पिछले 3 माह से विद्यालय के सभी चापाकल खराब पड़े रहने के कारण बच्चों को पीने के पानी और रसोइया को भोजन बनाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि पास के ही कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय अरार में एक समरसेबुल बोरिंग लगी है, लेकिन बिजली कट जाने के कारण वह भी नहीं चल पाता है और पानी की समस्या बनी रह जाती है। वहीं पेयजल के अभाव में MDM का भी कार्य प्रभावित हो रहा है, जबकि इस मामले को लेकर विद्यालय प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि गर्मी छुट्टी के बाद विद्यालय खुलने पर चापाकल खराब होने की सूचना शिक्षा विभाग और PHAD विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अब तक विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक आते हैं और इस समस्या की जानकारी भी उन्हें दी जाती है, लेकिन किसी ने भी विद्यालय की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही कहा कि 3 माह पूर्व PHAD विभाग की ओर से चापाकल ठीक करने की मंशा से खोल कर रख दिया गया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक मरम्मति नहीं हो पाई है। विद्यालय परिसर के अंतर्गत 2 चापाकल दोनों खराब है, जिसकी सूचना मैंने PHAD डिपार्टमेंट से लेकर के CVI पटना और भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी तक दी है, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी 2 चापाकल जो खराब है उसकी सूचना दी गई थी, जिसमें से 1 चापाकल का सारा पाइप और रॉड खोलकर विगत 2 महीने से 1.5 महीने से रखा हुआ है, आज तक न वह पाइप लगी अन्ना रोड लगा और चापाकल यूँ खुला पड़ा है। पानी का कमजोर अभाव है, लाइन जब बिजली जब नहीं रहती है तो पानी की घनघोर समस्या हो जाती है। मिडिल स्कूल में मध्यान्ह भोजन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जनरेटर चलाना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी का कारण है। करीब 2 महीनों से। तो कैसे खाना बनाते हैं? बहुत दिक्कत होता है सर। दिक्कत होता है जब पानी कहाँ से लाना पड़ता है? बहुत दिक्कत से कस्तूरबा से जनरेटर चलवाते हैं तब लाते हैं यहाँ का पानी। भागलपुर जयप्रकाश उद्यान स्थित योग स्थल पर गुरुवार को मां आनंदी संस्था की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांग जनों के बीच व्हीलचेयर, खिलाड़ियों को क्रिकेट किट और जरूरतमंदों के बीच किताब, पेंसिल सहित कई प्रकार का सामान वितरित किया गया। शिविर में आने वाले लोगों को संस्था की ओर से पौधा भी भेंट किया गया। संस्था के संस्थापक प्रयास सोनी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शहर की कई नामचीन महिलाओं ने शिरकत की। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि मां आनंदी संस्था की ओर से हर 6 माह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही जरूरतमंदों के बीच शिविर लगाया जाएगा। इस अवसर पर राजेश भगत, विश्वजीत आनंद, ओम झा, शशांक मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम मां आनंदी फाउंडेशन है, मां आनंदी संस्था एक NGO है जो कि हमारे 12वें ATG नीति आयोग और इन कंप्लाइंस वगैरह सारे चीज़ से हमारे रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है। ये हमारा स्टेट ही नहीं बल्कि कंट्री लेवल पे भी काम करती है, और आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिव्यांग लोगों के लिए, और ऐसे ही दिव्यांग लोग हैं इसमें जो कि क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं जो BPSC की तैयारी कर रही है, एजुकेशन के लाइन में भी है, तो उन लोगों के लिए मैं बुक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हील चेयर वगैरह है इसमें,
हाँ तो ये और आज मेडिसिनल प्लांट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन और भागलपुर के तत्वावधान एवं युवा शक्ति संगठन के संरक्षक विजय कुमार यादव के सहयोग से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 3 दिवसीय बिहार स्तरीय सीनियर मेंस एवं वुमेन रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके जानकारी विजय कुमार यादव एवं एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने सैंडिस कंपाउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 3 दिवसीय रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 3/7/2022 से 1/8/2022 तक किया जाएगा। चैंपियनशिप में पूरे बिहार से मेंस की कुल 26 एवं वुमेन की कुल 20 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें बिहार के लगभग प्रत्येक जिले से टीम शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह रग्बी फुटबॉल बिहार एसोसिएशन के संरक्षक श्रवण कुमार होंगे। साथ ही इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर एवं वर्ल्ड फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी स्वीटी चौधरी भी शामिल होगी। वहीं इसको लेकर विजय कुमार यादव ने बताया कि भागलपुर के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इस तरह के आयोजन से रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होगा और वे अपनी शानदार प्रस्तुति देकर जिले के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। मौके पर गौरव कुमार, कुणाल करण, प्रतीक राज, आकांक्षा चांदनी समेत एसोसिएशन से जुड़े कई लोग एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। इनका कल से जो है 30/7/2022 से एक रग्बी का यहाँ पे खेल का आयोजन हो रहा है, जो मतलब ये 3 दिवसीय खेल है। ये सीनियर टीम है जितने रग्बी के हैं, और इसमें 26 टीम जो है लड़के के हैं और लड़की का टीम जो है 19 टीम है, जिसमें बिहार से प्रत्येक जिला से टीम आ रही है। और जैसे कि सभी जिले के टीम हैं आपके, लगभग पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर और सिवान, चंपारण, अररिया, ये पूरे लड़की का टीम है। ये टोटल बालिका की टीम आ रही है और लड़के का टीम जो है 26 है, जिसमें से भी लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, जमुई, मधुबनी, बांका, नालंदा, नवादा, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर, छपरा, ये सारे टीम हैं जो कि हमारे भागलपुर में रग्बी का जो खेल का आयोजन है 3 दिवसीय, वो कल से जो है खेल स्टार्ट होगा और विधिवत तरीके से। और इसमें जो है हमारे मंत्री साहब, जो कि अभी ग्रामीण विकास मंत्री और रग्बी के संरक्षक भी है, श्री श्रवण कुमार, माननीय श्रवण कुमार, वो भी विधिवत उनका उद्घाटन करेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। डीजीपी के निर्देश पर मुख्यालय डीआईजी पहुंचे बांका, थाना का किया निरीक्षण, एसपी को दिया आवश्यक निर्देश। नकली नोट के धंधेबाज को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से कराया मुक्त, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की दी जानकारी। बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, जुआ खेलने के दौरान हुआ था विवाद। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई बहस पर गरमाई सियासत, भागलपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूका पुतला। और जाम से निजात के लिए लागू की गई बंद ट्रैफिक से लोग परेशान, पुलिस पब्लिक के बीच रोज हो रही तू तू मैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।